हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना कोई नंबर सोचती है और उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देती है, 5/2। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। जो रिजल्ट आता है माइनस करने के बाद वो उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम द सेम नंबर। और जब 8 से मल्टीप्लाई करती है तो क्या मिलता है, उसी नंबर का 3 टाइम्स। सी थॉट जो उसने सोचा था उस नंबर का 3 टाइम्स हो जाता है। व्हाट इज़ द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर बी हम एक्स मानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था कि एक्स में से हमने माइनस करना है 5/2 और जो प्रोडक्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। दैट इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एक्स, 3 टाइम ऑफ दैट नंबर बताया था ना, तो 3x। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5/2 दैट इज इक्वल टू 3x। इसको काट दीजिए, 2 1 2 4 जा 8x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 3x। अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे। ट्रांसपोजिंग नेगेटिव 20 टू द राइट हैंड साइड एंड 3x टू द लेफ्ट हैंड साइड। 8x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा 3x। दैट इज इक्वल टू 20 की ट्रांसपोजिंग की हमने राइट हैंड साइड, वो नेगेटिव 20 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 20। 5x दैट इज इक्वल टू 20। अभी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं 5 की। ट्रांसपोजिंग 5 टू द राइट हैंड साइड, एक्स इक्वल टू 20/5। 5 नीचे क्यों आया, क्योंकि वो उधर वाली साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर से ये डिवाइड होगा। एक्स इक्वल टू 4। Hence, the number is 4. Second question देखिए, a positive number is 5 times another number. एक positive number दूसरे number के 5 time है, ठीक है। If 21 is added in both of the numbers, then one of the new number is become twice of other new number. What are the numbers? Positive numbers हैं दोनों। अगर हमने एक को x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, 5x। अब according to the question करते हैं, 5x में हमने plus करना है 21 और x plus 21, ये इसका क्या हो जाता है, twice हो जाता है। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द न्यू नंबर, जो ये न्यू नंबर है बिकेम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, ये अदर न्यू नंबर है ना उसका ट्वाइस बन जाता है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 5x + 21, अभी ब्रैकेट खोल देते हैं, 2x + 42। 2 को मल्टीप्लाई किया x से, फिर 2 को ही मल्टीप्लाई किया 21 से। अभी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं। ट्रांसपोजिंग 21 टू द राइट हैंड साइड एंड 2x टू द लेफ्ट हैंड साइड। 5x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 21। 3x दैट इज इक्वल टू
21। अभी हम 3 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड, एक्स इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3 7, एक्स इक्वल टू 7। और दूसरा नंबर, एक नंबर x था तो दूसरा क्या था, 5x था, देन 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 35। हेंस द नंबर्स आर 7 एंड 35। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। कोई दो डिजिट का नंबर है और उनको ऐड किया जाता है तो उनका सम 9 आता है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अगर दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है, मतलब जो टेंस के प्लेस पे है उसको वंस के प्लेस पे रख दे और वंस के प्लेस पे है उसको टेंस के प्लेस पे रख दे, ऐसा किया जाता है तो पहले वाले डिजिट से 27 ज़्यादा वो नंबर होता है। व्हाट इज़ द टू डिजिट नंबर, वो टू डिजिट का नंबर क्या है। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस रिस्पेक्टिवली। हम मान के चलते हैं टेंस के प्लेस पे हमने एक्स ले लिया तो वंस के प्लेस पे क्या होगा, दोनों का सम 9 हो रहा है ना, 9 माइनस एक्स। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, अगर कोई नंबर हमने टेंस के प्लेस पे लिया है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, हमारे पास क्या आ गया 9x प्लस 9, 10 में से 1 जाएगा ना क्योंकि वह नेगेटिव 9 है, नहीं x है। तो अब चलो हमारे पास इसका ओरिजिनल नंबर आ गया, अब हम इंटरचेंज कर देते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस विल बी, क्या होगी, वन के प्लेस पे क्या होगी, एक्स हो जाएगी क्योंकि ये उस टाइम टेन के प्लेस पे थी, और टेन के प्लेस पे क्या हो जाएगी, 9 माइनस एक्स। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इस बार जो 10 के प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वो क्या है, 9 माइनस एक्स और प्लस एक्स, 90 माइनस 10x प्लस एक्स, 90 माइनस 9x आ गया अब हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देते हैं, हमें दोनों नंबर पता चल गए, चलो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, यही कहा गया है ना, यही बताया गया है कि जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। अभी न्यू नंबर हमारे पास क्या आया था, 90 माइनस 9x दैट इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या था, 9x प्लस 9 प्लस 27। अभी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग 90 टू द राइट हैंड साइड एंड 9x टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव 9x, ये दूसरा 9x भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, दैट इज़ इक्वल टू 36 माइनस 90, नेगेटिव 18x दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 54x। अगर दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो इसको यहीं पे काट दो। अभी हम क्या करेंगे, 18 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग
18 टू द राइट हैंड साइड, एक्स इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 18, काट दो, 18 वन जै 18, 18 थ्री जै 54, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3, और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरी डिजिट क्या होगी, अदर डिजिट दैट इज इक्वल टू वो क्या थी 9 माइनस एक्स, मतलब 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, सो द डिजिट इज 36, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम द अदर डिजिट, कोई दो डिजिट का नंबर है और उसकी वन डिजिट क्या है, दूसरी डिजिट का 3 गुना है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, और आप अगर डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, इस टू डिजिट नंबर की अगर आप डिजिट को चेंज कर देते हैं एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो रिजल्ट मिलता है उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हो, यू गेट, तो तुम्हें कितना मिलता है 88। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमें बताना है। लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस रिस्पेक्टिवली, अगर हम टेंस के प्लेस पे एक्स ले लें, एक्स तो दूसरी क्या होगी 3x होगी, यही बोला है ना, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, नंबर क्या होगा, अगर टेन के प्लेस पे लिया तो उसको टेन से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, प्लस 3x कितना आ जाएगा 13x हमारे पास आ गया, ठीक है। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस विल बी रिस्पेक्टिवली, अगर हम इन डिजिट को चेंज कर दें तो जो टेन के प्लेस पे है वो वन के प्लेस पे आ जाएगी, वन के प्लेस पे क्या आ जाएगी x, और टेन के प्लेस पे 3x, ठीक है। अभी देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर वो कैसे निकलेगा, जो टेन के प्लेस पे, जो हमने टेन के प्लेस पे क्या लिया है 3x, इसको टेन से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे टेन 3x प्लस एक्स 30x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 31x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है, टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर न्यू डिजिट में ऐड किया जाए ओरिजिनल डिजिट, डिजिट तो ये क्या है दैट इज इक्वल टू 88, मतलब हमारा क्या आया था न्यू डिजिट क्या थी 31x में अगर ऐड किया जाए, ओरिजिनल डिजिट क्या थी 13x दैट इज इक्वल टू 88, 44x दैट इज इक्वल टू 88, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग 44 टू द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, एक्स इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 44, 2 हमारा आ गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2, एक्स इक्वल टू 2, एक्स हमने टेंस के प्लेस पे रखा था ना, तो वंस के प्लेस पे क्या था एक्स का 3 गुना था, अदर डिजिट क्या होगी वो 3x थी ना, तो 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 6, हेंस द नंबर इज
वंस के प्लेस पे टू, नहीं टेंस के प्लेस पे टू और वंस के प्लेस पे सिक्स। क्वेश्चन फाइव देखिए, सोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज सिक्स टाइम सोबूज प्रेजेंट एज। सोबू की मम्मी की जो अभी एज है वो सोबू की प्रेजेंट एज का सिक्स टाइम है। सोबूज एज फाइव ईयर फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। पाँच साल बाद सोबू की एज कितनी हो जाएगी, उसकी मम्मी के वन थर्ड हो जाएगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। लेट द सोबूज एज, हम मान के चलते हैं एक्स, देयरफॉर हिज मदर एज, उसकी मम्मा की एज कितनी हो जाएगी, कितनी है अगर उसकी उसकी एज एक्स है तो उसकी मम्मा की सिक्स एक्स हो गई, क्योंकि वो सिक्स टाइम है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर फाइव ईयर, पाँच साल बाद, फाइव ईयर सोबू की एज जो है, सोबूज एज दैट इज इक्वल टू हिज वन थर्ड ऑफ हिज मदर एज, ये क्वेश्चन में दिया है। एक्स में अगर फाइव ऐड किया जाए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन थ्री ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सिक्स एक्स, यही होगा इक्वेशन हमारे पास आ गई। चलो अब हम सोल्व करते हैं। थ्री से कट रहा है सिक्स, काट दो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, एक्स प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू टू एक्स, ट्रांसपोजिंग करते हैं एक्स के, ट्रांसपोजिंग एक्स टू द राइट हैंड साइड, क्या रह जाएगा फाइव दैट इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स, फाइव दैट इज इक्वल टू एक्स। तो सोबूज की एज क्या आ गई, सोबूज प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू फाइव एंड हिज मदर एज, मदर प्रेजेंट एज सिक्स एक्स थी ना, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव दैट इज इक्वल टू थर्टी ईयर्स। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन वन टू फाइव कराए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।